चलो, लॉजिक गेट्स का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। देखो, लॉजिक गेट्स में सबसे पहले लॉजिक गेट्स में हमने कन्वर्जन की थी। हमने ये किया था कि अगर आपके पास कोई नंबर है और डेसिमल नंबर है, उसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में, तो आप उसे डिवाइड बाय टू करके बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कोई नंबर बाइनरी में है और आप डेसिमल में करना चाहते हैं, तो आप इसके नीचे लिखें 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। इन्हें मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करें, और फिर सबको ऐड कर दें। दैट इज 1 × 2 की पावर 0 प्लस 1 × 2 की पावर 1 प्लस 1 × 2 की पावर 2 प्लस 0 × 2 की पावर 3 प्लस 1 × 2 की पावर 4। आंसर 23 ही आएगा। ठीक, ये एक रूल बताया था हमने और लास्ट टाइम में डिस्कशन हो गई थी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसके अंदर हमने एक और रूल सीखा था। हमने ये रूल सीखा कि अगर आपके पास कोई नंबर है 23, आप 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर इकट्ठे करते हैं, जब तक 0 ना आ जाए रिमाइंडर आपके पास ये आता है, राइट? ऐसे आता है। ये जो पहला नंबर होता है इसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं और आखिरी नंबर को मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं, MSB LSB। क्लियर है यहां तक? तो ये भी हमने डिस्कस किया। इसके बाद एक सिग्नल जिसको एनालॉग सिग्नल बोलते हैं और दूसरा सिग्नल जिसको डिजिटल सिग्नल बोलते हैं। जो डिजिटल सिग्नल है, जो डिजिटल सिग्नल है, डिजिटल सिग्नल के अंदर सिर्फ 2 ही वोल्टेजेस होती हैं, या हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज। फॉर एग्जांपल, आपके पास 5 वोल्ट की वोल्टेज है और 0, तो लेट अस सपोज अभी वोल्टेज 5 वोल्ट है इतने टाइम के लिए, फिर वोल्टेज 0 वोल्ट हो गई, फिर उसके बाद वापस से 5 वोल्ट हो गई, फिर वापस से 5 वोल्ट हो गई और इस तरीके से 0 वोल्ट हो गई, कुछ इस तरीके से। तो 2 ही वोल्टेजेस एग्जिस्ट करती हैं, या हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज। इस सिग्नल को हम डिजिटल सिग्नल बोलते हैं, डिस्क्रीट सिग्नल बोलते हैं। एक सिग्नल होता है एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल का मतलब है कि टाइम के साथ वोल्टेज अपनी वैल्यू को क्या कर रही है, चेंज। हर इंस्टेंट पर, हर टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेजेस हैं, तो आप इसे क्या बोलोगे, ये आपके एनालॉग सिग्नल है। तो एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा काम है वो है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स में मैंने आपको बताया था कि बेसिकली आपके पास पहला गेट है और गेट, बेसिक गेट है, नेक्स्ट आपके पास एंड गेट, और नेक्स्ट आपके पास नॉट गेट। ये 3 गेट्स हैं हमारे पास। और गेट का सिंबल मैंने बताया था, ये और गेट का सिंबल है ए एंड बी, और इसका जो आउटपुट है जिसको बूलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं, ये एक्सप्रेशन है ए प्लस बी। जो एंड गेट है उसका ये सिंबल है, ये 2 वायर्स हैं ए एंड बी, और ये एंड गेट है, एंड गेट है, और इसका एक्सप्रेशन है ए डॉट बी मल्टीप्लाई बाय बी। 2 तीसरा गेट है नॉट गेट। नॉट गेट ट्रायंगल के साथ ये सर्कल है, इसकी एक ही इनपुट है और वो इनपुट क्या होगी, नॉट हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, तो ए का पार। ये 3 इनकी इनके फॉर्मूलाज हैं। अगर आप एक ट्रुथ टेबल की बात करते हो तो 4 इनपुट्स पॉसिबल हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, और ये क्या है, ए प्लस बी। तो इन्हें ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 1 1 और 1, तो ए प्लस बी की वैल्यू आ गई इसमें। उसी तरीके से एंड गेट है ए एंड बी, 0 0 0 1 1 0 1 1, ए डॉट बी में इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आएगा। और लास्ट है नॉट गेट, 0 एंड 1, तो ये उल्टा कर देगा 0 का 1 और 1 का 0। ये इसके ट्रुथ टेबल है। एक सेकेंड,
तो ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, तीन बेसिक गेट्स हैं। नेक्स्ट है, इन गेट्स के बाद आपके पास, आपको ये पता होना चाहिए रादर कि अगर कोई भी इनपुट है ए और कोई भी इनपुट है बी, तो आप ए में बी ऐड करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू बी प्लस ए। ए की बात है, इसको कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, आप मैथ्स में करते आए हैं। जैसे ए की इनपुट अगर जीरो है और बी की इनपुट अगर वन है, तो बी की इनपुट वन है, ए की जीरो, तो आंसर दोनों में एग्जैक्टली क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, तो ये एप्लीकेबल है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए और ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ए की बात है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है, अगर आपके पास एक ए गिवन है, इसका कॉम्प्लीमेंट है, बार लगा दिया, और इसका भी एक और बार लगा दिया, ये आपको ए देगा। कैसे? अगर ये ए है जिसकी दो इनपुट्स हैं जीरो और वन, अगर मैं ए के ऊपर बार लगाता हूं तो वन एंड जीरो, अगर मैं ए के बार के ऊपर बार लगाता हूं तो जीरो और वन। आप चेक कर सकते हो, आंसर एग्जैक्टली सेम है। तो अगर दो बार लगे होंगे तो बार और बार आपस में अफेक्ट कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर सेम आ जाएगा। ये भी क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है आपके पास डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ए प्लस बी है और होल बार है और मैं इसे ब्रेक करता हूं ए के ऊपर बार बी के ऊपर बार, तो प्लस मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। मैथ्स में तो आप लोग करते भी हैं, मेडिकल वाले एक चीज देख लें इसे। तो ए प्लस बी का होल बार है, तो ए बार और प्लस किस में कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लाई में बी बार। कोई डाउट इसमें? उसी तरीके से ए इंटू बी का बार है तो इसको लिखेंगे ए बार बी बार, अगर ये मल्टीप्लाई है तो किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में। ठीक, तो याद रहेगा यहां तक, अगर होल बार है उसको डिवाइड करना है दो हिस्से में तो प्लस मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? जैसे अगर मान लो कोई कहे कि इसे वेरीफाई करके बताओ कि ये कैसे हुआ, तो चलो मैं वेरीफाई करके बताता हूं, ए प्लस बी का बार कैन बी रिटन एज ए बार इंटू बी बार। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे स्टार्ट करता हूं, पहले लिखता हूं ए एंड बी, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, तो ए एंड बी में इनपुट हो सकती है जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी में ऐड करो इन्हें, ऐड करेंगे तो ये आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, ए प्लस बी का बार, बार में वन जीरो जीरो और जीरो। तो ये मेरे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। अब मुझे चाहिए राइट हैंड साइड, इसके लिए मुझे ए बार चाहिए, ए बार इसका उल्टा बोलो, वन वन जीरो जीरो, फिर बी बार, बी बार का मतलब वन जीरो वन जीरो, फिर आप लिखें ए बार इंटू बी बार, मल्टीप्लाई करें जरा, वन जीरो जीरो जीरो। ये क्या आ गया, राइट हैंड साइड। आप चेक कर सकते हो लेफ्ट और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है, इसका मतलब ये थ्योरम वैलिड है। करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि रूल कैसे लगता है, और रूल मैंने आपको बता दिया। कोई डाउट इसमें? क्या स्टेप क्लियर है? तो इस थ्योरम के बाद जैसे सपोज आपको अगर ये गिवन हो क्वेश्चन में, लेट अस सपोज ए बार प्लस बी बार का होल बार इज ए बार का बार मल्टीप्लाई बी बार का बार, दो बार हो जाएंगे बिकॉज ये बार ब्रेक होगा, तो प्लस मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा, ए बार बार कैंसल, तो ए इंटू बी आंसर। तो एलजेब्रा समझ में आ रहा है इसका, क्या एलजेब्रा है? उसी तरीके से अगर ये गिवन हो ए बार इंटू बी बार का होल बार, तो ए बार के ऊपर बार बी बार के ऊपर बार, क्योंकि होल बार ब्रेक हो गया तो मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में, तो क्या आएगा, ए प्लस बी आंसर। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट जो इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो इसको एक बार देखते हैं।
आपके बुकलेट के हिसाब से हमने कन्वर्जन कर लिया, बाइनरी डेसिमल हो गया, एनालॉग सिग्नल बता दिया मैंने आज, डिजिटल सिग्नल बता दिया मैंने आज, मैंने लॉजिक गेट्स के तीन गेट्स आपको बता दिए, तीन गेट्स में ट्रुथ टेबल बताया, बूलियन अलजेब्रा बताया, और गेट के बारे में बताया, एंड के बारे में बताया और नॉट के बारे में बताया, तीन गेट्स हो गए। फिर मैंने आपको कॉम्बिनेटिव लॉ बताया, फिर मैंने आपको डी मॉर्गन्स बताई कैसे लगेगी, अभी अभी मैंने एग्जाम्पल करके दिखाया आपको इसके, तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब और गेट के ऊपर, वैसे तो जब एनसीईआरटी में था तो फिर हम ना कंस्ट्रक्शन के वर्किंग भी सीखते थे कि लिखने को आ जाए, वैसे आती नहीं थी वो अलग बात है। कंपटीशन में मेंस और नीट दोनों में एक एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, वो लोग क्या करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन मार्क करने को देते हैं। वो लोग कुछ इस तरीके से कहेंगे कि आपके पास और गेट देखने में कैसा है, ये और गेट है राइट, ये और गेट है, और गेट की आउटर कवरिंग ऐसी है, इसके अंदर सर्किट डायग्राम करेक्ट मार्क करो और गेट कैसे है। तो अगर आप इसे तोड़ के देखें और देखें और गेट के अंदर क्या होता है, और गेट के अंदर आपको दो डायोड दिखेंगे, ये दो डायोड्स हैं, एक रेजिस्टेंस दिखेगी और साथ में इसकी अर्थिंग यानी कि ग्राउंड दिखेगा। तो आपको करेक्ट ऑप्शन मार्क करने को आएगा कि आप और गेट की कंस्ट्रक्शन मार्क करें, आपको ये नहीं देगा, क्योंकि अगर आपको ये दे दिया फिर आप पहचान जाओगे और गेट है, आपको सिर्फ ये डायग्राम देगा और इस डायग्राम को आपको मार्क करना है। ध्यान से देख लो डायग्राम, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ और गेट है राइट। कैसे काम करता है, अब हमें जरूरत नहीं है करने की, वर्किंग वाला बाइसिंग पे होती है काम, बाइसिंग पे चलता है सारा, पर जरूरत नहीं है इसकी बाइसिंग हमें करने की, बस ये कंस्ट्रक्शन एक बार याद रखेंगे। इनपुट है वो कुछ नहीं है, इनपुट है मतलब करेक्टर लगाते हैं उस पर, कुछ नहीं है। क्या कंस्ट्रक्शन क्लियर है अंदर की? अब इसका जो एनालॉग सर्किट है, एनालॉग सर्किट का मतलब मिलता जुलता सर्किट जो सेम आंसर देगा जो और गेट देता है। और गेट का अगर ट्रुथ टेबल बनाया जाए तो और गेट का ट्रुथ टेबल बनेगा ए और बी 0001 1011, और गेट का मतलब ए प्लस बी 0111। ये डायग्राम इसको रिप्रेजेंट करता है। कैसे? अगर आपको मैं ये कहूं कि दो स्विच हैं और एक बल्ब लगा हुआ है इस सर्किट में और ये वायर्स लगी हुई हैं, जब तक मैं सर्किट कंप्लीट नहीं करूंगा, क्लोज नहीं करूंगा, करंट फ्लो नहीं होगा और बल्ब ऑन नहीं होगा। तो मान लेते हैं मैंने दोनों स्विच को ऑन ही नहीं किया, तो मैंने ऑन ना किया तो मतलब जीरो और जीरो, तो बल्ब ऑन नहीं हुआ, आंसर इज जीरो। बल्ब ऑन ना होने का मतलब जीरो, ऑन होने का मतलब वन। मैंने एक स्विच को तो ऑफ रखा जीरो, इसको ऑन कर दिया, सर्किट कंप्लीट हो गया, बल्ब ऑन हो जाएगा। तो एक भी स्विच ऑन है बल्ब ऑन हो जाएगा, चाहे पहला स्विच ऑन है चाहे दूसरा, और अगर दोनों ऑन है फिर तो पक्का ही ऑन हो जाएगा। तो ये देखो, ये ट्रुथ टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि और गेट का ट्रुथ टेबल का एनालॉग सर्किट, एक्चुअल सर्किट तो पीछे वाला डायोड वाला, पर एनालॉग सर्किट मिलता जुलता सर्किट कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट है एंड गेट। एंड गेट के अंदर आपको ये आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ये आउटर बाउंड्री नहीं देगा, आउटर बाउंड्री नहीं देगा आपको, आउटर बाउंड्री की जगह आपको अंदर का सर्किट देगा। इंपॉर्टेंट, डायोड उल्टे लगे हुए हैं, ध्यान से देख लो, सीधे नहीं है, उसमें राइट थे इसमें लेफ्ट है, ये याद नहीं होता और नोट नहीं किया जाता, और उसमें डायग्राम में पक्का ऑप्शन होगा जिसमें सीधे डायोड लगे होंगे। तो एक तो उल्टे डायोड है, ये ध्यान से। दूसरा, यहां रजिस्टर है, उसमें भी था और में भी, यहां 5 वोल्ट की या कोई भी वोल्ट की बैटरी भी होगी। तो इसकी कंस्ट्रक्शन अच्छे से देख लो, इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर दो डायोड्स हैं और एक बैटरी भी और एक रेजिस्टर आर भी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आउटर कवरिंग हटाएगा, आपको करेक्ट ऑप्शन मार्क करने को देगा, तो आप करेक्ट ऑप्शन मार्क कर पाएंगे। ये एंड गेट है, ठीक है यहां तक? ना कुछ वोल्ट का कोई चक्कर नहीं। कंपोनेंट है गेट का, वो है तो डायोड ही है, तो पीएन जंक्शन ही, पीएन जंक्शन से ही आगे सारा कुछ चला। फिर उसके बाद इसका एनालॉग सर्किट क्या है? इसके एनालॉग सर्किट के अंदर, क्योंकि ये और गेट की जगह एंड गेट है, तो ये आपका एंड गेट है, ये आपका एंड गेट है, ये ए है, ये बी है, 0001 1011, ए इंटू बी में 0001। तो इसमें क्या होगा? तो आपका अगर एक भी स्विच ऑफ है, आपने बंद नहीं किया,
बल्ब ऑन नहीं होने वाला, क्योंकि सर्किट कंप्लीट तभी होगा जब दोनों स्विचेस ऑन होंगे। तो जब दोनों ऑन होंगे तो ऑन है, अदरवाइज बल्ब ऑन नहीं होगा, ऑफ है। तो बन गया सर्किट इसका, क्लियर यहां तक। नेक्स्ट क्या है, नॉट गेट। नॉट गेट के अंदर ये वैसे तो ये डायग्राम ट्राइंगल और ये सर्कल आप बनाते ही हो, ये नॉट गेट है, पर ये गिवन नहीं होगा ना, आपको मार्क करने को आएगा नॉट गेट बनाओ। नॉट गेट डायोड से नहीं बना हुआ, नॉट गेट ट्रांजिस्टर से बना हुआ, एनपीएन। तो आपने याद करना है, एक ट्रांजिस्टर है, रेजिस्टर है, यहां भी रेजिस्टर है और यहां 5 वोल्ट की बैटरी है, बस आपने ये याद रखना है। तो ये डायग्राम आपका नॉट गेट का डायग्राम है, कंस्ट्रक्शन है नॉट गेट की, ठीक है यहां तक। तो कैसे काम करता है, एक लंबी स्टोरी अगेन, पर अभी आपको नहीं करना, एनसीईआरटी में नहीं है, कंपटीशन में आएगा तो सिर्फ सर्किट डायग्राम ही आएगा, वर्किंग तो कौन ही पूछेगा कि कैसे चला के दिखाओगे आप इसे। तो इनपुट आउटपुट पता होना चाहिए, वो मालूम है, 1 का 0, 0 का 1। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्या है इसमें, इसका एनालॉग सर्किट बनाते हैं। देखो इसके एनालॉग सर्किट के अंदर वायर की कोई रेजिस्टेंस नहीं मानने आपने, तो मान लें ये नॉट गेट है, नॉट गेट में A0 1 है, तो A bar 1 और 0 है। तो जब आपका स्विच ऑफ है, आपने बंद ही नहीं किया, तो सारा करंट बल्ब से हो गया, आपने बंद ही नहीं किया तो 1 आ गया, आपने क्लोज कर दिया, आपने बंद कर दिया, जब आपने बंद किया तो फिर सारा करंट वहीं से बाईपास हो गया, बल्ब में आया ही नहीं, तो 0 हो गया, उसकी रेजिस्टेंस नहीं है स्विच वाले की, शॉर्ट सर्किट हो गया, रेजिस्टेंस नहीं है ए की, सारा करंट ए से पास हो गया ना, ठीक। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। सो कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स, तो ये 3 बेसिक गेट्स हमने किए, और एंड नॉट। अब हम इन गेट्स को मिलाएंगे और नए गेट्स बनाएंगे, और नए गेट्स के ऊपर क्वेश्चन भी आएंगे। तो इनमें से कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स में जो पहला गेट है वो है नैंड गेट। देखो नैंड गेट, नैंड गेट बेसिकली, नैंड गेट 2 गेट्स का कॉम्बिनेशन है, एक एंड गेट और एक नॉट गेट, एंड गेट और नॉट गेट। आप चेक कर सकते हो इसके अंदर, अगर आपको एक नैंड गेट गिवन है और एक नॉट गेट गिवन है, तो ये रहा आपके पास एक नैंड गेट, ये रहा ए बी, ये रहा नैंड गेट, ये नैंड है, सॉरी ये एंड है, एंड गेट एंड नॉट गेट। तो एंड गेट क्या करता है, ए इनटू बी, एंड गेट दोनों को मल्टीप्लाई कर देता है, इसकी आउटपुट एंड गेट की नॉट गेट में पास कर दो, तो नॉट गेट क्या करेगा, इसके ऊपर क्या लगा देगा, बार लगा देगा। तो क्या बना, ए इंटू बी का बार। क्या है पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो इस केस में, इस केस में ए और बी, और हां ये बड़े डायग्राम बनाने की बजाय आप ए की डायग्राम बना सकते हैं, ए एंड बी, और यहां सर्कल लगा दें, बात ए की है। तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन या फॉर्मूला क्या बनेगा, ए इंटू बी का बार। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें। तो इसका ट्रूथ टेबल बनाए, तो ये ए, मतलब ये दो नहीं बनाएंगे आज के बाद, ये बनाएंगे एक ही बात है, ए बी 0 0 0 1 1 0 1 1, ए इंटू बी करो पहले 0 0 0 1, ए इंटू बी का बार करो 1 1 1 0। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो इसका क्या बन गया, ट्रुथ टेबल बन गया नैंड गेट का, ठीक। तो 2 गेट्स हैं, दोनों गेट्स को हमने कंबाइन किया, और कंबाइन करके ये फॉर्मूला बना ए इंटू बी का बार, और फिर हमने क्या किया इसमें, ठीक। तो ए इंटू बी का बार का ट्रुथ टेबल आ गया, तो याद रहेगा ये नैंड गेट है। नेक्स्ट है नॉर गेट, NOR, नॉर गेट। देखो नेक्स्ट इज नॉर गेट। नॉर गेट क्या है, ये आपका और गेट है। और गेट क्या करेगा, ए बी, ए प्लस बी, आगे इसकी जो आउटपुट है वो नॉट में पास कर दे, तो आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी का बार, ए प्लस बी का बार। कोई डाउट इसमें,
ठीक, कोई डाउट इसमें समझ में आ रहा है यहां तक? तो इस केस में ये ए, हाँ इसकी जगह आप एक डायग्राम बना सकते हैं, शॉर्टकट है, आप यहां सर्कल बना दें बस, ये ए ये बी, तो ये क्या बनेगा, ए प्लस बी का बार। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये नॉर गेट का सिंबल याद रहेगा, दो गेट्स का कॉम्बिनेशन है। तो इसके अंदर अगर ये ए अगर ये बी, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, ए प्लस बी आपको क्या देगा, जीरो वन वन वन, और ए प्लस बी का बार वन जीरो जीरो जीरो। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे ट्रुथ टेबल बनेगा इसका और क्या इसका फॉर्मूला है? ठीक, कोई डाउट इसमें? ठीक, तो ये पहला गेट कॉम्बिनेशन में नैंड गेट, दूसरा गेट कॉम्बिनेशन में नॉर गेट, तीसरा गेट कॉम्बिनेशन में एक्स और गेट, जोर गेट, एक्स और गेट, एक ही बात है। एक्स और गेट बेसिकली पांच गेट्स का कॉम्बिनेशन है, ये दो का था, ये पांच का कॉम्बिनेशन है। तो एक्स और गेट में सबसे पहले चाहिए होगा आपको नॉट गेट, एक और नॉट गेट, यहां से ये चाहिए होगा आपको एंड गेट, एंड गेट, और फाइनल जो आउटपुट है वो और गेट। ये लो, ये ए और ये बी, ऐसे। अब प्रॉब्लम ये है कि इसकी इनपुट एक है, इसको एक मिल गई, इसकी इनपुट भी एक है, इसको एक मिल गई, पर इसकी इनपुट दो है, तो एक वायर तो आ गई। बोलो इसमें इनपुट क्या जाएगा, ए का बार, नॉट गेट क्या करेगा, ए का बार कर देगा, और नॉट गेट ये क्या करेगा, बी का बार कर देगा। तो इसमें एक इनपुट तो ए बार, एक इनपुट बी बार, इसमें क्या करेंगे, यहां से कनेक्शन यहां से देंगे, तो इसमें दूसरे इनपुट बी, और यहां से इसका कनेक्शन यहां पे देंगे, ये रहा, तो इसकी एक इनपुट ए। तो दो इनपुट्स हो गई, ए बार और बी, ए और बी बार, क्योंकि इस गेट का नाम एड गेट है, ये मल्टीप्लाई करता है दोनों को, तो क्या आउटपुट देगा, ए बार इंटू बी, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए इंटू बी का बार। ठीक, आउटपुट आ गई, ये दोनों आउटपुट्स इसके अंदर एंटर हो गई, ये और गेट है, दोनों को ऐड करेगा, इन दोनों को ऐड करते हैं, तो आंसर आएगा ए बार इंटू बी प्लस बी बार इंटू ए। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? इसका फाइनल आउटपुट है, पर हम इतने बड़े पांच गेट्स याद नहीं करेंगे, हम शॉर्ट सिंबल याद करेंगे। ये जो सिंबल है ए एंड बी और ये एक्स और गेट है, इसका फाइनल आउटपुट सीधा याद करेंगे, ए बार इंटू बी प्लस बी बार इंटू ए। तो पांच गेट्स की जगह ये याद करेंगे, ज्यादा आसान है। ठीक है यहां तक? इसका ट्रुथ टेबल अगर बनाना है तो ट्रुथ टेबल के लिए स्टार्ट विद ए एंड बी, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, मुझे चाहिए ए बार इंटू बी, पहले ए बार निकालना पड़ेगा, ए बार में उल्टा करो ए बार को, वन वन जीरो जीरो, फिर बी बार वन जीरो वन जीरो, फिर उसके बाद ए बार इंटू बी, ए बार इंटू बी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए बार इंटू बी में ए बार इंटू बी में ये रहा ए बार, ये रहा बी, मल्टीप्लाई करो, जीरो इंटू वन जीरो, वन इंटू वन वन, जीरो इंटू जीरो जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, फिर चाहिए मुझे बी बार इंटू ए, ये रहा बी बार और ये रहा ए, मल्टीप्लाई करो, जीरो इंटू वन जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन वन, वन इंटू जीरो जीरो, फिर फाइनल आउटपुट मुझे क्या देना है, ए बार इंटू बी प्लस बी बार इंटू ए, इसे और इसे ऐड करो, जीरो प्लस जीरो जीरो, वन प्लस जीरो वन, वन जीरो, आंसर। ट्रुथ टेबल क्लियर है? इसको तो उल्टा याद करने का बड़ा सही तरीका है, क्योंकि इतना लंबा कई बार ऑब्जेक्टिव नहीं कर पाओगे। अगर इनपुट एक जैसी है, अगर इनपुट सीधा याद करेंगे, अगर इनपुट एक जैसी है, ये देखो वन और वन एक जैसे हैं, जीरो और जीरो एक जैसे हैं, तो फाइनल आंसर जीरो आएगा, और अगर एक भी डिफरेंट है तो फाइनल आंसर वन आएगा, डन हो गया। टेबल वैसे याद नहीं करने होते, वो तो फॉर्मूले से बनते हैं, बट इसके अंदर थोड़ा लंबा है, तो मतलब शॉर्टकट ही मारना हो, तो अगर इनपुट एक जैसी है तो आंसर जीरो, और अगर
डिफरेंट है तो आंसर वन। कोई डाउट इसमें?
नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर इसको आईसी भी बोलते हैं, आईसी। इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर या आईसी के अंदर क्या होता है, बहुत सारी चीजें इकट्ठी पैक कर दी जाती हैं, एक सर्किट बना दिया जाता है जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। तो बेसिकली इसमें कंपोनेंट्स होते हैं 100, 200, 1000, 2000, 5000। क्या कंपोनेंट्स होते हैं एक सर्किट के ऊपर? रेजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब गेट्स, ये सभी एक इंटीग्रेटेड सर्किट का पार्ट है। तो हम एक 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 गेट को नहीं लगाते, 100 गेट लगा दिए ना, 100 गेट का एक आईसी बना देते हैं ताकि 100 गेट्स का आईसी एक जगह पर फिट हो जाता है। हमें पता होता है 100 गेट्स इकट्ठे क्या आउटपुट देंगे, तो उसको इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर आपके नंबर ऑफ कंपोनेंट, चाहे वो रेजिस्टर हो, चाहे कैपेसिटर हो, चाहे आपके डायोड्स हो, अगर 100 और 1000 के बीच में है, उसको मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, MSI। और अगर मान लो 1000 से ऊपर है तो उसको लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, LSI। तो मीडियम स्केल और लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? इसमें फायदा नुकसान है, अब तो क्या ही फायदा है, बट फिर भी बता देता हूं एक लाइन में। इंटीग्रेटेड सर्किट स्पेस बहुत कम घेरते हैं, बहुत छोटा सा आईसी होता है, इसमें हजारों गेट्स, हजारों डायोड लग जाते हैं। और इंटीग्रेटेड सर्किट्स की दूसरा एडवांटेज है, इसमें पावर कंजम्पशन बहुत कम है। क्या है, सिलिकॉन का तो बना हुआ है, हल्के से 2-4 वोल्ट पे चल जाएगा, तो बेसिकली पावर कंजम्पशन कम है, स्पेस कम ऑक्यूपाई करते हैं, कॉस्ट कम है। क्या ही कॉस्ट है उसकी, टेक्नोलॉजी की कॉस्ट है, बनाने वाला लेबर लेगा लेकिन उसकी कॉस्ट नहीं है मटेरियल की। और इसका नुकसान, अगर पावर पीछे से ज्यादा हो जाती है, वोल्टेज ज्यादा हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाएंगे। अगर एक भी गेट खराब हो गया 1000 में से, सारा आईसी खराब हो गया, क्योंकि सब इंटीग्रेट हुए हैं। अब कौन उसको ठीक करेगा, 1000 का सर्किट कौन चेक करता है? कोई नहीं करता, आईसी चेंज हो जाता है। तो काम तो हल्का सा खराब हुआ लेकिन पूरा का पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो इसका फायदा और नुकसान बता दिया। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स में वो कहेगा ट्रूथ टेबल बनाओ और इसका आउटपुट बनाओ क्या होगा। जैसे अगर ये ए है, ये ए इनपुट गया और में, ए गया एंड में, और ये बी है, एंड क्या करेगा, ए इंटू बी कर देगा, ए इंटू बी आ गया। तो यहां से आउटपुट ए इंटू बी इसके अंदर चली गई और यहां से ए चला गया, तो यहां से ए, यहां से ए इंटू बी। ये क्या है, और गेट, और गेट क्या करता है, इन्हें प्लस, तो इन्हें प्लस करेंगे ए प्लस ए इंटू बी, इसका आंसर है। तो कई बार मार्क करने को आ जाता है कि आपको सर्किट दे दिया तो आप इसका करेक्ट बुलियन एक्सप्रेशन बना के दिखाओ। तो एक्सप्रेशन कैसे बनेगा समझ में आ रहा है, अगर गेट की नॉलेज है, वो प्लस करता है या वो मल्टीप्लाई करता है, तो आप उसको एज इट इज बनाते जाओ, आपका आंसर आता जाएगा। ठीक, जैसे नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन। आपको कुछ कॉम्बिनेशन गिवन है, इन कॉम्बिनेशन में ब्लॉक नंबर 1 में, ब्लॉक नंबर 2 में और ब्लॉक नंबर 3 में कौन कौन से गेट्स लगे हुए हैं आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपकी हेल्प करता हूं, फिर आप सोच के बताना है कि इसमें क्या क्या लगा हुआ है। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट यहां सीखना पड़ेगा। ये मान लेते हैं आपके पास एक नैंड गेट है। नैंड गेट क्या करेगा, ये ए, ये बी, ये नैंड गेट है, ए इंटू बी का बार, ठीक है, दो इनपुट्स को मल्टीप्लाई करेगा और ऊपर बार लगाएगा। कोई डाउट इसमें? ठीक, ये नैंड गेट है। अगर मैं इस नैंड गेट की दो इनपुट्स को कॉमन कर दूं, जोड़ दूं ऐसे, सच दैट एक वायर जा रही है एक ऊपर और वही वायर नीचे, कहने का मतलब अगर ये ए है तो ऊपर भी ए, नीचे भी ए, तो अगर ये जीरो है तो ऊपर भी जीरो, नीचे भी जीरो, जबकि हमारे पास अलग अलग इनपुट थी ए और बी, तो 0001 1011 डिफरेंट था, पर हमने क्या किया, इसे कॉमन कर दिया। कॉमन का मतलब जो ऊपर जाएगा वो नीचे जाएगा, तो इन शॉर्ट ए और बी इक्वल कर दिए, तो आउटपुट क्या आएगा बोलो, ए इंटू ए का बार, ठीक है, बी तो है ही नहीं इसमें, तो ए और ए एक ही बात है, तो जो इनपुट ऊपर की लाइन में जा रही है वही इनपुट नीचे की लाइन में भी जा रही है, राइट। तो मुझे पता है कि अगर ये ए है और ये 0 और 1 है, ए इंटू ए क्या होगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, और फिर ए इंटू ए का बार क्या होगा, 0 का 1, 1 का 0। अब चेक करो,
जीरो क्या कन्वर्ट हो गया, वन, वन क्या कन्वर्ट हो गया, जीरो, जीरो का वन, वन का जीरो, तो एक्चुअल में किसकी आउटपुट हो गई? तो हम ये बोलेंगे कि गेट तो नैंड है लेकिन एक्ट कैसे कर रहा है, लाइक नॉट। अब नॉट नहीं बोल सकते, है तो ये नैंड पर काम किसका कर रहा है, नॉट का, बोल नहीं सकते ना। ठीक है यहां तक? उसी तरीके से सपोज आपके पास एक गेट है और ये गेट है नॉर गेट, ये ए, ये बी, ये ए प्लस बी का बार। तो अगर मैं इसकी भी इनपुट सेम कर दूं, ये लो सेम कर दिया, ऊपर भी ए नीचे भी ए, तो क्या बनेगा, ए प्लस ए का बार। अब सोचो ए जीरो वन है, ए प्लस ए क्या होगा, जीरो को जीरो में ऐड करो जीरो, वन को वन में ऐड करो वन, ए प्लस ए का बार क्या बनेगा, जीरो का वन, वन का जीरो, उल्टा हो गया ये भी। तो ये है क्या, नॉर गेट, लेकिन एक्ट कैसे कर रहा है, नॉट गेट। तो ये पहचान रखनी है आज के बाद, ये करना नहीं आपको, देखते ही पता लगेगा कि कौन सा गेट है, नॉर एक्टिंग लाइक नॉट, नैंड एक्टिंग लाइक नॉट, आउटपुट इसकी नॉट रहेगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? आप ये तीन बॉक्स लें, वन टू एंड थ्री, वन का आंसर मैं दूंगा, वन ब्लॉक में कौन सा गेट है, नैंड एक्टिंग लाइक नॉट, बोला अलग बनाओ इसे, ब्लॉक नंबर वन को अलग बनाओ, तो वो नैंड है लेकिन एक्टिंग लाइक नॉट है। ब्लॉक नंबर टू आप अपनी कॉपी में यूज बनाएं और बताएं इसका फाइनल आउटपुट क्या आएगा, कि कैसे एक्ट कर रहा है, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और एंड की नॉट, इन तीनों में से एक आंसर आएगा। ब्लॉक नंबर टू में बताएं फाइनल आंसर क्या होगा।
देखो ब्लॉक नंबर टू के लिए ये एक नैंड गेट है, नीचे भी नैंड गेट है, यहां भी एक नैंड गेट है, ये लो तीन नैंड गेट है। इमेजिन कर लो ये ए है, ये बी है, ए बार हो गया क्योंकि नैंड एक्टिंग लाइक नॉट है, सिंगल इनपुट है नैंड की। यहां पे क्या आएगा? बी बार। तो ये ए बार बी बार इनपुट है, नैंड क्या करता है इन दोनों को मल्टीप्लाई और ऊपर होल बार लगाता है। तो ए बार का बार प्लस बी बार का बार क्या आएगा? ए प्लस बी। प्लस का मतलब कौन सा गेट है? और आंसर और गेट है जी। पूछो क्वेश्चन, एक बनता है पूछना। ये पूछना चाहते हो कि यहां पर ए क्यों लिया, क्योंकि ये तो कनेक्टेड था ना, ए के बाहर क्या आएगा? ए बार। तो इसमें क्या एंट्री होनी चाहिए थी? ए बार, और मैंने क्या लिया? ए, मैंने ए लिया, मेरे को क्या लेना चाहिए था? ए बार, सही है ना। लो ए बार ले लेते हैं, ध्यान से ए बार ले लें, ए बार सही है। तो ये ए बन गया, ये ए बन गया, ये ए बन गया, ये ए बार रह गया। ए बार क्या फर्क पड़ता है? प्लस तो है ना। तुमने क्या लेना कि दो नंबर कौन कौन से नंबर है जो ऐड हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं ना, तो यानी कि गेट तो और ही रहेगा। आपने को तो ये देखना है कि प्लस है कि मल्टीप्लाई है। अगर मल्टीप्लाई है तो ऐड है, प्लस है तो और है। तो यहां पर क्या लेना देना, इसलिए मैंने फॉर कन्वीनियंस ए ले लिया था, कोई फर्क नहीं पड़ता। गेट की फंक्शनिंग थोड़ा ना चेंज हो जाएगी इनपुट चेंज होने से, गेट तो वैसे ही काम करेगा जैसे वो करता है। ठीक है यहां तक। अब नेक्स्ट करके बताओ थर्ड का, कर लो, बनाओ डायग्राम अलग थर्ड ब्लॉक का और देखो क्या आ रहा है। देखो अगर मैं ये बनाता हूं तो ये एक नैंड गेट है और ये भी एक नैंड गेट है। तो इमेजिन करो कि ये ए और ये बी, तो नैंड गेट क्या करेगा? ए इंटू बी का बार करेगा, इसको अलग से बनाएं प्लीज। और फाइनली ये एक नॉट की तरह काम कर रहा है तो बार लग जाएगा, ये कैंसिल, तो क्या आएगा? ए इंटू बी। तो अल्टीमेटली कौन सा गेट आएगा? नैंड गेट आएगा। ठीक है यहां तक। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? आगे नेक्स्ट में व्हाई आर नैंड एंड नॉर कॉल्ड डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक्स? नैंड और नॉर दो ऐसे गेट है
जो कि बेसिक तीन गेट्स की तरह काम कर सकते हैं. दे कैन एक्ट लाइक नॉट, हमने देखा. दे कैन ऑल्सो एक्ट लाइक एंड, दे कैन ऑल्सो एक्ट लाइक और. तो इस नैंड गेट से आप और एंड नॉट तीनों गेट्स का काम ले सकते हो. ऐसी नॉर गेट से भी आप तीनों गेट्स का काम ले सकते हो, और एंड एंड नॉट, इसे डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक से. ठीक है यहां तक? तो इसे कोई भी गेट बनाया जा सकता है जो बेसिक बिल्डिंग है. कैसे? जैसे क्वेश्चन है कि हाउ अ नॉट गेट इज रियलाइज्ड यूजिंग नैंड गेट. रियलाइज का मतलब कैसे बनाया जा सकता है, कैसे एक्ट कर सकता है. तो नॉट गेट कैसे बन सकता है नैंड से, हमने कर लिया ये डायग्राम, हमने कर लिया. तो नैंड जो है कैसे एक्ट कर रहा है, लाइक नॉट. उसी तरीके से आप कैसे एंड गेट बना सकते हैं यूजिंग नैंड गेट. अभी किया भी हमने, ये रहा, आप चेक करो, ये ए था ये बी था, इसके ऊपर लिखो बोलो क्या, ए इंटू बी का बार. आप चेक करो इसमें, यही तो है सेम, ए इंटू बी का बार. और फिर आगे क्या लगा दिया, नैंड, क्योंकि उसने बोला कि सारा काम किसे होना चाहिए, नैंड से. लगाने को तो आप ट्रायंगल वाला नॉट भी लगा सकते हो, पर लगाना नहीं, उसने कहा नैंड से, तो आप नैंड लगाओ लेकिन एक्टिंग लाइक नॉट. तो इसके ऊपर बार लग जाएगा तो ए इंटू बी हो जाएगा. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, तो कैसे बनेगा समझ में आ रहा है. उसी तरीके से हाउ और गेट इज रियलाइज फ्रॉम नैंड गेट. अब मैं और गेट बनाना चाहता हूं यूजिंग ऑल नैंड गेट्स. तो ये आपने एक गेट लिया जो कि नैंड गेट है, ये गेट लिया जो कि नैंड गेट है, एक और गेट लिया जो कि नैंड गेट है. तो अगर ये ए है तो ये ए का बार है, ये बी है तो ये बी का बार है, ये नैंड गेट है, ये दोनों इनपुट्स को मल्टीप्लाई करके होल बार लगा देगा. तो क्या आएगा, ए बार का बार, बी बार का बार, और ये प्लस. तो ये ए प्लस बी कौन सा गेट हो गया, और गेट. ठीक है यहां तक? तो कैसे काम होगा समझ में आ रहा है, कोई डाउट इसमें? तो मैथमेटिकली अगर आपको अलजेब्रा आता है तो इजीली हो जाएगा, नहीं तो आपको डायग्राम याद ही करना पड़ेगा कि कैसे तैयार हुआ ये, कोई डाउट इसमें? उसी तरीके से हाउ और गेट कैन बी रियलाइज यूजिंग नॉर गेट. तो आपको क्या करना है, और गेट चाहिए लेकिन सारे गेट कौन से होने चाहिए, नॉर गेट होने चाहिए. तो ये आपका पहला नॉर गेट है, ये ए ये बी, और ये आपके पास एक और नॉर गेट है, ये लो. तो ये क्या करेगा, ए प्लस बी का बार करेगा. ये क्या करेगा, ए प्लस बी का बार कर देगा, क्योंकि सिंगल इनपुट है. तो आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी कौन सा गेट बन गया, और गेट. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो और गेट बन गया, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? अच्छा, उसी तरीके से एंड गेट कैसे बनेगा नॉर गेट से. तो ये लो, ये आपके पास एक गेट नॉर गेट, ये गेट आपके पास एक नॉर गेट, और ये गेट भी आपके पास एक नॉर गेट. तो ये ए है तो ये ए बार है, ये बी है तो ये बी बार है, ये ए बार प्लस बी बार का बार है. ठीक है, दोनों को इनपुट को ऐड करेगा और प्लस कर देगा, ए बार का बार इनटू बी बार का बार. तो क्या आएगा, ए इनटू बी कौन सा गेट है, एंड गेट है. पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे होगा? ठीक, तो सारे गेट्स बनाए जा सकते हैं इन गेट्स के कॉम्बिनेशन से. जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसमें आउटपुट ऑफ टू नैंड गेट्स. तो चलो ठीक है, दो नैंड गेट्स बनाते हैं, ये पहला नैंड गेट है, ये दूसरा नैंड गेट है, इनकी आउटपुट एज इनपुट टू और गेट, ये और गेट है. तो इनकी आउटपुट इसकी इनपुट बना देते हैं और गेट की. तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो पहली बात तो नैंड गेट की दो इनपुट्स होनी चाहिए, एक ए और एक बी. तो आप ऐसा कर सकते हो, या तो इसका कनेक्शन इसमें दे दो बी, इसका कनेक्शन इसमें ए, तो इनपुट क्या जा रही है, ए इंटू बी, इनपुट ए इंटू बी, ए बी सी डी मत कर देना, ए बी रहेगा. तो ये गेट क्या करेगा, ए इंटू बी का बार नैंड गेट है, और ये भी क्या करेगा, ए इंटू बी का बार. ये क्या है, और गेट है. और गेट क्या करेगा, ए इंटू बी का बार प्लस ए इंटू बी का बार. आंसर, तो फॉर्मूला समझ में आ रहा है, और अगर ट्रुथ टेबल आएगा तो ट्रुथ टेबल बन जाएगा इसका. पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ए इंटू बी का बार, ए इंटू बी का बार, इन्हें ऐड करोगे तो आंसर सेम आएगा इसमें. ठीक, जैसे
नेक्स्ट है। वैसे तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, बट फिर भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सही है। देखो इसके अंदर ये एक नैंड गेट है, तो ए इंटू बी का बाहर क्या देगा, ए इंटू बी का बार देगा, राइट। यहां से एक इनपुट इसमें जा रही है ए, यहां से एक इनपुट इसमें जा रही है बी, यहां से ए इंटू बी का बार और यहां से भी ए इंटू बी का बार। तो ये नैंड गेट है। नैंड गेट क्या करता है, दो इनपुट्स को लेता है, मल्टीप्लाई करता है और होल बार लगा देता है। तो ये क्या करेगा, ए इंटू बी का बार मल्टीप्लाई और होल बार, और ये क्या करेगा, इधर से बी, इधर से बी, इधर से ए इंटू बी का बार, तो बी इंटू ए इंटू बी का बार का होल बार। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक, कोई डाउट इसमें। ये दोनों इनपुट नैंड में जाएंगे तो इसको इससे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और होल बार लगाएंगे क्योंकि नैंड गेट है, तो दिस इंटू दिस होल बार। तो पॉइंट समझ में आया यहां तक, ठीक है, फॉर्मूला क्लियर है कैसे बना, ठीक है। होल बार है, ब्रेक करो, इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी, तो मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस, दो बार आपस में कैंसल, आंसर आंसर आएगा। इसका ट्रुथ टेबल बनाना है, ट्रुथ टेबल भी बन जाएगा, बनाया भी होगा आपके बुकलेट में, बट अदरवाइज इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा ट्रुथ टेबल के साथ, बट आपको कैलकुलेशन समझ में आ रही है कि सर्किट डायग्राम आएगा तो कैसे ये अलजेब्रा चलेगा, ठीक, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, आपको बताना होता है कि ये फॉरवर्ड बायस्ड है या रिवर्स बायस्ड है। देखो आपने क्या करना है इसमें, आपने इसमें ये देखना है कि ये N है, ये P है, N किसके साथ कनेक्टेड है, प्लस 5 वोल्ट, P किसके साथ कनेक्टेड है, प्लस 7 वोल्ट, तो N 5 वोल्ट है और P 7 वोल्ट है, ठीक। आपने क्या करना है, एक को जीरो बनाना है, जीरो का मतलब अर्थिंग, जीरो वोल्ट पे होती है अर्थ, तो ये बताओ कि पी एन से कितना बड़ा है, बाय प्लस टू वोल्ट, बड़े में से छोटा माइनस कर दिया, तो एन अर्थ के साथ कनेक्टेड हो गया एक तरीके से, अर्थ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी टर्मिनल एक्ट कर सकता है। पी किसके साथ कनेक्टेड है, प्लस पी विद पॉजिटिव, कौन सी बायसिंग है, फॉरवर्ड बायसिंग, पी विद पॉजिटिव फॉरवर्ड बायसिंग, कोई डाउट इसमें, क्या पॉइंट क्लियर है, आपने सिर्फ वो देखना है प्लस और माइनस, जैसे फिर देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आप ये बताओ कि जो N है वो किसके साथ कनेक्टेड है, प्लस 2 वोल्ट, और P किसके साथ कनेक्टेड है, जीरो अर्थ के साथ है, अर्थ तो वैसे ही जीरो वोल्ट पे है, ये तो पहले ही जीरो बना पड़े, तो बताओ N किसके साथ कनेक्टेड है, प्लस N विद पॉजिटिव, कौन सी बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, ठीक यहां तक, फिर देखो एक बार, ठीक यहां तक क्लियर है, ठीक। अब जैसे ही रहा, तो N विद माइनस 12 वोल्ट, P विद माइनस 5 वोल्ट, तो N के साथ माइनस 7 वोल्ट अटैच हो जाएगा, तो N विद नेगेटिव, कौन सी बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, जैसे ये रहा, इसमें P के साथ क्या कनेक्टेड है, माइनस 10, और N के साथ क्या कनेक्टेड है, जीरो अर्थ है, तो यही देखना है सिर्फ, P विद नेगेटिव, कौन सी बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, आंसर, तो आंसर आ जाएगा बस। पॉइंट क्लियर है यहां तक, वैसे तो ये क्वेश्चन आता नहीं, बाय चांस अगर आ जाता है तो इनपुट से पहले अगर सर्कल यहां नहीं, सर्कल अगर यहां बने हो तो वो नॉट की तरह काम करते हैं, तो इसमें इनपुट ए नहीं जा रही, ए का बार जा रही है, बी नहीं है, बी का बार, तो और गेट है तो क्या देगा, ए बार प्लस बी बार, वैसे बता रहा हूं नॉलेज के लिए, आता नहीं वैसे ये, आता ये भी नहीं तीन इनपुट्स वाला, बट बाय चांस अगर पूछ लिया कि इनपुट्स
दो नहीं है, नैंड एंड गेट है, एंड गेट में इनपुट तीन है, मैथ्स का क्वेश्चन है, ए बी सी तीन इनपुट्स हैं, ए की वैल्यू जीरो या वन, बी की वैल्यू जीरो या वन, सी की वैल्यू जीरो या वन, तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं टोटल? आठ, टू की पावर थ्री, एट। अच्छा ऐसे करके देख लो, जीरो जीरो वन, जीरो वन जीरो वन, जीरो जीरो वन वन वन, आठ कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो कौन कौन से आठ कॉम्बिनेशन बनेंगे, मैं आपको लिखने का तरीका बताता हूं, हिट एंड ट्रायल ना करो, टाइम लगेगा इसमें। ऐसे बनाओ, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, फिर से एक बार, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, जीरो 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 वन 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 वन, आठ कॉम्बिनेशन पूरे हो गए। तो पहले एक पैटर्न रिपीट कर दो, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, फिर जीरो 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 वन 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 वन, नहीं तो फिर वो तरीका तो है ही। इसके अंदर ये एंड गेट है, ए इंटू बी इंटू सी, जीरो इंटू जीरो इंटू जीरो, जीरो 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 वन, वन इंटू वन इंटू वन वन, आएगा नहीं, पर फिर भी तीन इनपुट्स लिखने आनी चाहिए, कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। इस क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी काफी रहती है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है। देखो, सपोज आपके पास कभी कभी क्या होगा कि जैसे ट्रुथ टेबल तो एक तरीका है ही गेट्स के आउटपुट बताने का, कि ट्रुथ टेबल बनाओ और 0110 की फॉर्म में आंसर लिखो, ऐसा भी होता है। जैसे वो कहेगा कि मैं तो सिग्नल दूंगा, डिस्क्रीट सिग्नल दूंगा या डिजिटल सिग्नल दूंगा, ये रहा, ये इनपुट है, आप ये इनपुट लें और आप ये आउटपुट लें, ये लो ये आउटपुट लें, ऐसे ले ले, और मान लो इन दोनों सिग्नल्स को आप नैंड गेट के अंदर पास करें, नैंड के अंदर, ये नैंड है, इसमें पास करें, और जो आंसर आएगा वो भी इस वेव फॉर्म की फॉर्म में बताएं क्या होगा, मतलब 0 1 ना बताएं, वेव फॉर्म बताएं क्या होगा इसमें, इसको टाइमिंग डायग्राम बोलते हैं, किस टाइम में कितना सिग्नल है, लो है कि हाई है। तो इसको करने का तरीका देखें, आपको वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं इसमें, ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, तो आप एक लाइन खींचे इसमें से पास होते हुए लंबी सी, ऐसे ये लाइन आपने खींच दी, नेक्स्ट वर्टिकल लाइन ये देख रहे हैं, तो इसमें से पास होती हुई एक लाइन खींचे, ये रही, नेक्स्ट ये वर्टिकल लाइन है, ये इसमें से पास करती हुई, ये रही, नेक्स्ट वर्टिकल लाइन ये दिख रही है मुझे, इसमें से पास, जबरदस्ती नहीं करनी कि स्केल रख के इसके ऊपर पास होगी होगी, नहीं होती, हो गई तो ठीक, नहीं तो ना सी, दोबारा खींच लो कोई बात नहीं, ये नेक्स्ट वर्टिकल लाइन है, ये देखो ये रहा, नेक्स्ट वर्टिकल लाइन ये रही, ये रही, नेक्स्ट वर्टिकल लाइन ये रही, नेक्स्ट, तो जितने बड़ा सिग्नल बन गया मुझसे थोड़ा सा, वैसे
ज़्यादा हो गया तो अदरवाइज इतना लंबा आता नहीं है, तीन चार आते हैं बस ऐसे, ये लो चलो जितना ही बन गया पढ़ने दो, कोई बात नहीं। ठीक है यहाँ तक बन गया, यहाँ तक। अब आपने क्या करना है कि जो इसको टाइमिंग बोलते हैं, आपने अपने सिग्नल को टाइम में डिवाइड कर लिया, तो ये टाइमिंग है। जैसे इस टाइम इंटरवल में ये जीरो है तो ये भी जीरो है, इस टाइम इंटरवल में ये जीरो है तो ये वन है, ऊपर वाला सिग्नल वन है, नीचे वाला जीरो है, ये वन है ये जीरो है, ये वन है ये वन है, ये वन है ये जीरो है, ये जीरो है ये जीरो है, ये जीरो है ये वन है, ये वन है वन है, जीरो वन जीरो 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 वन 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 जीरो। ठीक, तो 1 0 पता लग गया कि किस टाइम इंटरवल में क्या सिग्नल है। अब आपने ए और बी साइड पे लिखा, ए का मतलब 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0, बी का मतलब 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1, जितने 0 1 होंगे इसमें उतने 0 1 इसमें भी होंगे। फिर आपने फॉर्मूला लगाना है, ए इंटू बी मल्टीप्लाई करें 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और 0, और फिर आपने ए इंटू बी का बार 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1, फिर आपने इसको प्लॉट करना है यहीं पे 1 1 0, ये ए इंटू बी का बार है तो 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1, ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा अपने मन में कैलकुलेट करें 0 × 0 का बार, 0 × 0 इज 0 का बार इज 1, 0 × 1 इज 0, 0 का बार इज 1, सीधा आ जाएगा। ठीक है यहां तक, तो एक क्वेश्चन करें। सपोज ये गिवन सिग्नल है, ये ए, और ये बी, ठीक, और लेट अस सपोज ये नॉर गेट में पास कर रहे हैं हम, ए बी, ए प्लस बी का बार, आपको आउटपुट वेवफॉर्म बनाना है इसी में। नॉर है,
देखो आपने इसमें पहले लाइंस ड्रॉ कर लेनी है, जैसे मैंने ड्रॉ करने को कहा, ये आपने लाइंस ड्रॉ की पहली, ये आपने लाइन ड्रॉ की दूसरी, ये आपने लाइन ड्रॉ की तीसरी, ये लाइन ड्रॉ की चौथी, और ऐसी ये नेक्स्ट, ये नेक्स्ट, ये लो ठीक। इसके अंदर आपने ये लिया जीरो वन वन, जीरो जीरो वन जीरो, जीरो जीरो वन वन, जीरो 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 ठीक। अब मन में कैलकुलेट करेंगे ए प्लस बी का बार, ए प्लस बी का बार, जीरो प्लस जीरो इज जीरो, जीरो का बार इज वन, स्टार्ट यहां से करें वन, वन प्लस जीरो इज जीरो, जीरो का बार इज वन, वन प्लस जीरो इज वन, वन ओ उल्टा बोल दिया, वन प्लस जीरो इज वन, वन का बार इज जीरो, वन प्लस वन इज वन, वन का बार इज जीरो, जीरो प्लस वन इज वन, वन का बार इज जीरो, ऐसे बन रहे, जीरो प्लस जीरो इज जीरो, जीरो का बार इज वन, वन प्लस जीरो इज वन, वन का बार इज जीरो, जीरो प्लस जीरो इज जीरो, जीरो का बार इज वन, वन डन। पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये आपके लॉजिक गेट्स हैं।